Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो जिस घड़ी का था इंतजार वो हुआ पूरा और आज है अपने पास Honda Dio 125. ये स्टैंडर्ड वेरिएंट नहीं है, ये है H Smart जिसका था इंतजार हमें. तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे. इसमें आपको H Smart में स्टैंडर्ड वेरिएंट से आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलता है, कौन कौन से फीचर्स ज़्यादा मिलता है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा. और फीचर्स वाइज स्कूटी कैसा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना. एंड स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर. अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो शुरू करता है सामने से. सबसे पहले आपको ये यहाँ पे LED DRL दिया गया है, उसके बाद LED हेडलैम्प दिया गया है, और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है. मडगार्ड आपको फाइबर के दिया गया है यहाँ पे, रिफ्लेक्टर. बाकी सब कुछ जो है स्कूटी का, या साइड प्रोफाइल से, सामने से, पीछे से, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो मिलता है और स्मार्ट में सेम ही मिलता है दोनों. लेकिन स्मार्ट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड में मिसिंग है. प्राइजिंग में दोनों स्कूटीज में अंतर है. स्टैंडर्ड वेरियंट की एक्स प्राइज आपको लगभग 86,000 के आसपास मिलता है, और स्मार्ट की एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 94,000 के आसपास. तो प्राइजिंग में थोड़ा बहुत अंतर है, और वो किस लिए? स्मार्ट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, और स्मार्ट में आपको ऐसे कीज़ मिलते हैं यहाँ पे, टोटली कीलेस. लेकिन स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ये सब नहीं मिलता, ये सब सिर्फ स्मार्ट में देखने को मिलता है. बाकी सब कुछ जो है स्कूटीज़ में वो दोनों स्कूटीज़ में सिमिलर मिलता है. यहाँ पे ग्लव बॉक्स, सिक्स स्टोरेज, सब कुछ सिमिलर मिलता है. लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है दोनों स्कूटीज़ में, ये स्मार्ट है, उसके बाद भी इस स्कूटी में ना ही कोई USB कनेक्टिविटी मिलता है, ना ही कोई बल्ब मिलता है सीट स्टोरेज में. तो ये बड़ा ड्रॉबैक है होंडा का. अगर आपको डियो 125 स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में जानना है तो ऊपर आए लिंक से आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डियो 125 एच स्मार्ट और स्टैंडर्ड वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है. वो वैसे भी मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में. इंजन भी सिमिलर दिया गया है, वही वाला इंजन दिया गया है, 123.92 cc का इंजन दिया गया है, जो लगभग 8.16 bhp और 10.04 nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है. और बाकी टायर प्रोफाइल भी सिमिलर है, 12 इंच का फ्रंट में और रियर में 10 इंच का व्हील दिया गया है. सब कुछ सिमिलर है सिवाय एक चीज़ के, ये वाला चाबी. कीलेस एंट्री मिलता है आपको इस वाले वेरिएंट में, और स्टैंडर्ड में तो आपको चाबी मिलता है वैसा, जो रेगुलर वाला चाबी मिलता है वैसा ही मिलता है. तो ये वाला जो चाबी है ये आखिर किस काम आता है, तो चलिए वो जान लेते हैं. सबसे पहले चाबी के बारे में बता दें, यहाँ पे दो स्विचेस मिलते हैं. ये वाला है ये इग्निशन के लिए, आपको रात में अगर आपकी गाड़ी का, आपकी स्कूटी कहीं पे पार्क्ड है तो इस वाले बटन से आप पता लगा सकते हो स्कूटी कहाँ पे. और ये वाला जो चीज़ है ये आपकी स्कूटी की टोटली डेट की, मतलब डेट की आप इसे कह सकते हो. अगर ऐसे रेड लाइट आ रहा है इसका मतलब आपकी स्कूटी के सारे फंक्शंस जो है वो अभी बंद है. लेकिन अगर आप इसे ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे और ये ग्रीन हो जाता है ऐसे, इसका मतलब आपके स्कूटी का सारे इग्निशन, सारे सब कुछ, इग्निशन नहीं, सब कुछ जो है वायरलेस वो एक्टिवेट हो चुका है, और आपकी स्कूटी कभी भी चोरी हो सकता है. तो जब भी आप स्मार्ट लो, एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि जब भी आप स्कूटी से कहीं दूर जाओ या फिर कहीं पे खड़ी करो तो यहाँ पे रेड लाइट ज़रूर जलनी चाहिए. ये सब के बाद होंडा ने एक ट्विस्ट रखा है यहाँ पे. अगर आप इसे बंद करना भूल गए और आप कहीं पे चले गए स्कूटी ऐसे ही खड़ी करके जैसे हम लोग हमेशा जाते हैं, तो होंडा ने क्या ट्विस्ट रखा है यहाँ पे कि अगर आप ऐसे ही मतलब छोड़ के चले गए स्कूटी बिना लॉक किए ये वाला, तो ऑटोमेटिकली 20 सेकंड्स के अंदर स्कूटी आपका लॉक हो जाएगा पूरा का पूरा. फिर से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ये वाले स्विच से, ये आपको ग्रीन करना पड़ेगा, फिर स्कूटी दोबारा स्टार्ट होगा. और एक ट्विस्ट ये रखा है यहाँ पे, ये मान लो मैंने ये ऑन किया लेकिन मैंने इग्निशन अभी तक ऑन नहीं किया, ठीक है, फंक्शन ऑन किया लेकिन इग्निशन ऑन नहीं किया, तो क्या होगा, लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर फिर से ऑटोमेटिकली डेड मोड में चला जाएगा स्कूटी. ये बड़ा कमाल का फीचर्स दिया होंडा ने यहाँ पे. भाई जिसका भी दिमाग हो उसे भाई 100 जिंदगी की सलामी. ये तो गया ये स्विचेस के, ये किस के बारे में. तो अभी ये वाला स्विच किस लिए दिया गया है, ये वाला स्विच इसलिए दिया गया है अगर आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, मतलब किल मोड ऑन है, ऑफ है डेड मोड, तो यहाँ पे आप प्रेस करो, ये हो गया आपका इग्निशन ऑन. एक डाउन करो तो सीट और फ्यूल के लिए, और दोबारा डाउन करो तो आपका इग्निशन ऑफ हो चुका है पूरा का पूरा.
और हैंडल लॉक आपको कैसा करना है, मतलब मेरा तो एक हाथ से मोबाइल है, भाई ज़रा करके दिखाना, ये हो गया ऐसे हैंडल लॉक। इसको आपको प्रेस करके ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा और ऐसे खोलता भी ऐसे ही है। तो भाई ये वाला स्विच तो इसलिए, और फ्यूल एंड सीट के लिए ये वाले जो स्विच है ये आपको होंडा के हर स्कूटी में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़, ये वाले जो स्पेस है, पहले भी मैंने आपको बताया किस लिए पता नहीं, लेकिन ये वाले है किस लिए, ये वाला स्पेस इसलिए है आपको कि इसके साथ आपको ये दो चीज़ मिलता है। और वो किस लिए भाई दिखाओ ज़रा, इसको आप ऐसे खोल सकते हो, और मान लो आपकी कि इसका बैटरी ख़त्म हो चुका है और आपको सीट खोलना है तो कैसे खोलना है, इसे खोल के आपको इसे घुमाना पड़ेगा अंदर की तरफ और यहाँ पे ये सीट ओपन हो चुका है। तो वो वाला जो स्पेस है वो आपको सीट खोलने के लिए दिया गया है, वो हमें आज पता चला। तो भाई स्कूटी के बारे में तो इतना ही है बस, बाकी सब तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो मिलता है आपको वही स्कूटी में मिलता है, स्मार्ट में मिलता है। स्मार्ट में बस आपको यही वाले फंक्शन ज़्यादा मिलते हैं आपको, और वो आप समझ जाओगे, आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आप समझ जाओगे। बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।